क्या ये आपको पिटूंगा और दादा अरे मजाक कर रहे हैं Hey guys, स्वागत आप लोग का फिर से मेरे चैनल पे और आशा करता हूँ कि आप लोग सब ठीक होंगे मेरी तरह। तो गाइज हम लोग आए हैं थोड़ा बाहर मार्केट में खाने पीने, बस अभी मैं मम्मी मामा और संजी भाई हम लोग सब बाहर ही हैं मार्केट में। बस अभी हम सीन क्या कि कल हम एक जगह जाएंगे, एक नई लोकेशन पे हम जाएंगे, हाँ सिर्फ खोड़ी पे जाएंगे हम लोग। तो कल के लिए हम प्लानिंग करेंगे कैसे चलना है, गाड़ी से चलना है या बस से चलना है। बस अभी छोटे मामा और शैंकी भाई और हिमांशु भाई वो लोग अंदर हैं यहाँ से, वो अभी बात करने जा रहे हैं कि कैसे चलना है कैसे नहीं। अगर गाड़ी सूटेबल होगी तो गाड़ी से जाएंगे या फिर बस से जाएंगे, बाकी देखते हैं। अभी हम मार्केट में थोड़ी शॉपिंग क्या, हाँ ये डिनर अच्छा है, इसका टेस्ट हमने यहीं से खाया था आलू पराठा। हाँ जी हाँ, एक दो सौ और पता कर लो। वैसे बस का कितना बता रहे हैं? नहीं नहीं वैसे अगर वो सरकारी बस नहीं चलती तो पूछना पड़ेगा। हाँ पूछ लेंगे एक बार। ₹200 का हिसाब भी देख रहे हैं ना, आना जाना तो 2000 तो ये भी बैठ गए अगर सबकी टिकट ना हो तो। परसों की है आप, मतलब कल का दिन हमारे पूरा है। हम कल का दिन पूरा आराम से, कल रात की हमारी बुकिंग भी है वहाँ आशीर्वाद में, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हम मतलब ये है कि होटल वगैरह उसकी कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ बुक है, पर कल का दिन हम अच्छे से ट्रैवलर से बात कर लेते हैं। ठीक है ठीक है, एक बार और पता करने जा रहे कहीं दूसरी शॉप पर एक बार अच्छे से। ये तू कहाँ घूम रहा है? अरे बात क्यों नहीं कर, गले लग, ए गले लग, देख गले लग ना। हिमांश ने बोला कि इसको यहाँ पे रोक के या मैं रोक के करूँ, नहीं भगो इनको भगो मन रुद्र ना, देख रुद्र गलत बात है, देख बेटा मारूंगा मैं, ओए खड़ा हो जा तमीज में, देख अच्छे से गले मिल ले, गले मिल आपको पिटवाऊंगा और दादा। अरे मजाक कर रहे हैं बेसिकली सीन क्या है कि अभी रुद्र की और बनी की हो गई थी ऊपर थोड़ी सी लड़ाई, तो इनने अपने पापा से ना झूठी झूठ मूठ बोल के और अपने पापा से शिकायत बता दी और नाम बनी बनी की और इसकी लड़ाई होने के बाद इनने लगवा दी अपने पापा से चाटे। और ना 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 ऐसे कैसे नहीं करेगा, ऐसे कैसे नहीं करेगा, अब कुछ लेके रहेगा बनी जल्दी। तो गाइस हम लोग बस अभी यहाँ पे डिनर करने के लिए रुके एक होटल में, मतलब रेस्टोरेंट में। तो बस अभी कर ही रहे, अभी हमने ऑर्डर दे दिया यहाँ पे, मतलब काफ़ी अच्छा रेट आया है यहाँ पे। और हम सुबह मतलब खा कुछ खाने पीने भी आए थे यहाँ पे, थोड़ा मेरा मन था खाने का क्योंकि मैंने सुबह से कुछ खाया ही नहीं था। तो मम्मी मामी वगैरह सब और शैंकी भाई वगैरह सब बैठे हुए यहाँ पे अभी के लिए। चलो खैर आप लोग टाइम से देखो, स्वागत है फिर से आप लोग का मेरे चैनल पर और आशा करता हूँ कि आप लोग सब ठीक होंगे मेरी तरह। सो हम लोग रात के 11:30 बज चुके हैं और बस हम लोग अब मार्केट जा रहे हैं, सब देखते हैं क्योंकि हमने सोचा कि कल सिर्फ खोड़ी जाएंगे ना तो कल टाइम नहीं मिलेगा क्योंकि पूरा दिन हमारा वहीं पे जाएगा, क्योंकि सुबह हम मॉर्निंग में जल्दी निकलेंगे सिर्फ खोड़ी के लिए। देन उसके बाद एक दो और जगह है जहाँ पर हम लोग जाएंगे, बाकी इस वजह से हम लोग सोचे कल हम खामखा थक जाएंगे, फिर वहाँ से आने के बाद हमें फिर मार्केट भी जाना होगा। फिर हमने सोचा कि एक काम करते पहले ही हम लोग मार्केट चले जाते हैं क्योंकि फ्री हो जाएंगे, तो इससे अच्छा है कि टाइम जितना हो सके ना उतना टाइम बचे ज़्यादा बेटर है। बाकी सब लोग हम यहीं पे आ रखे हैं, ये रे सब लोग, ये हिमांशु भाई मामा शैंगी भाई, मामा थोड़े पीछे रुक गए हैं अभी, बाकी चलो फिर अभी मार्केट चल ही रहे हम लोग। पर लेकिन ये है कि यहाँ पर जैसे हम लोगों ने सोचा था ना कि बारिश हो जाएगी के बाद, आप लोग जानते हो यार रोड पे ब्लॉगिंग करना बहुत टफ होता है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा साउंड आता है कार्स का। बाकी ठीक है चलो ओके,
मार्केट जाहिर है तो चलो देखते हैं, अगर होपफुली कि मार्केट हमें खुली मिल जाए। बाकी चलो चलो हम मार्केट यहाँ पे जा चुके हैं मार्केट वाली लाइन में। या ब्रो हाँ ये बिल्कुल सही है यहाँ पर भाई यात्रियों की सेवा करते हैं। हाँ हाँ ये चीज़ तो है काफ़ी अच्छी सेवा बोलते हैं कि तो अपने भी कमाई इनकी खैर। हाँ हाँ बिल्कुल भाई बिल्कुल। बाकी हमारे साथ हो चुका है शायद पोपट क्योंकि यहाँ पे मार्केट हो चुकी है बंद, क्योंकि जब मैं और शिवो भी थोड़ी देर पहले आए थे ना यहाँ मार्केट बिल्कुल ओपन थी, कोई नहीं वापस रिटर्न हम अपने होटल में ही चले जाएंगे। बाकी मैं आप लोगों को एक बार दिखाता हूँ मार्केट, ये देखो यहाँ पे सब क्लोज हो चुका है। मानसू यहाँ पे लॉकडाउन है क्या? हाँ यहाँ पर बोल रहे हैं 11 बजे के बाद शॉप बंद हो जाती है, लॉकडाउन नहीं है। अच्छा 11 बजे के बाद एक लिमिट टाइमिंग है। हाँ टाइमिंग सेट कर दी है। हाँ ठीक है चलो 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 बाकी देखते हैं आगे अगर कुछ मिलता है तो हम शॉपिंग कर लेंगे। मुझे लग तो रहा नहीं है कि ऐसे हालात में अब यहाँ पर कोई शॉप ओपन होगी। चलो चलो अब तो वापस ही जाना पड़ेगा हम लोगों को लग रहा है भाई, कुछ ऑप्शन ही नहीं है खामा का जाने का, कोई फायदा नहीं है। क्या बेटा बेटा चलो। सो गाइस हम लोगों का जैसा आप लोगों को पता लगेगा कि पोपट हो चुका है, मार्केट ऑलमोस्ट बंद हो गई है यहाँ की सारी। और अब बस हम लोग ये सोचे क्या नाम कि जब मार्केट बंद हो गई है अब हम लोग यहाँ पे मालिश करा रहे हैं। मम्मी बोल रही कि मालिश कराने के लिए अब बस अब वहीं पे जा रहे हैं मालिश कराने के लिए भैया से, क्योंकि वहाँ से चढ़ाई से उतरते वक्त ना काफ़ी मतलब पैरों में दर्द हो गया था, वो तो हम सब किए रखा है। बाकी चलो तो अगर हुआ तो मैं भी करा लूँगा इस बहाने, फिर ठीक है अभी दिखाता हूँ मैं आप लोगों को। मम्मी वहाँ पे जा रही है, बाकी मम्मी और जतिन अब मालिश करा रहे हैं यहाँ पे पैरों की। आप लोग कराओगे? जाओ करा लो। ये लोग यहाँ पे डर के मारे करा नहीं रहे क्योंकि मामा इसलिए नहीं करा रहे, मामू का हम बोल रहे मामा के थोड़ा सा क्या होता है मामा के थोड़ा पिंडिया जो होती है ना उधर उसमें उनकी होती है गुदगुदी, तो कह रहे अगर गलती से पैर पैर मेरा लग गया उनके लात लग जाएगी वो पता नहीं कहाँ जाके करेगा। और जतिन यहाँ पे फुल ये वो करा रहे मालिश। चलो कराओ 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 सही है। ये लोग यहाँ पे फुल मालिश करा रहे, मज़ा आ रहा है। बाकी हम लोग सोचे कि हम लोग रहने देते हैं, हमें क्या ज़रूरत है, शेरों को भी कभी मालिश कराने की जरूरत पड़ती है क्यों? बोल बेसिकली सीन क्या था गाइस, ये सब लोग मुझे बोल रहे थे द्वार से करा ले जब अब ये सब लोग बोल रहे थे मैंने सोचा चलो करा ही देता हूँ मालिश, अब इतना भाव खाना है क्या, लेकिन भाई आराम से करो हाँ। तो विपुल कैसा लगा? मजा आ गया, एक्सपीरियंस अच्छा था, मजा आ गया बिल्कुल बिल्कुल, लाइफ की पहली मजा आ गया। हाँ भाई बिल्कुल मजा आ गया बिल्कुल। अरे थैंक यू बहुत है मज़ा आया। बाकी इन भैया ने मेरी मालिश करी, काफ़ी मज़ा आया इन भैया के साथ। चलो थैंक यू भैया, ठीक है गाइस चलो अब हम लोग चलते हैं अपने रूम में क्योंकि मार्केट तो यहाँ पे बंद हो चुकी है। बाकी एक चीज़ मैं बोलना चाहूँ कि अब बंदरों ने बहुत आतंक मचा रखा है, बहुत ज़्यादा। दिखाता हूँ मैं आप लोगों को एक बार, वो दिख रहे हैं आपको वो देखो उस जगह पर बंदर बहुत, यहाँ पर बहुत देखते हैं अगर कोई शॉप मिल जाती है तो चाय पीते हैं। आप लोगों से एक बात बोलना चाहता हूँ कि ना ये बात मेरी देखो गलत मत समझना इस बात को, 5 स्टार होटल की चाय और एक टपरी की चाय ना अलग ही स्वाद होता है, वो कंपेयर में अगर किया जाए तो या बराबरी टपरी वाली चाय की हम नहीं कर सकते होटल वालों से, क्योंकि एक टपरी की चाय का स्वाद अलग होता है, चाहे वो कितनी भी बड़ी से बड़ी होटल में हो या फिर किसी उसमें पी लो तो उसी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर लेकिन तुम अगर किसी ट्रैवलिंग रास्ते में जा रहे हो और वहाँ पे एक टपरी पे रुक के आप लोग चाय पियोगे ना उसका स्वाद अलग होगा। जैसे कि अभी हम लोग जस्ट एक होटल के नीचे ही, ये दुर्गा होटल के नीचे एक
टपरी थी चाय की, बस आप लोग हम यहाँ से चाय ले रहे हैं और ये सब लोग होटल के बाहर बैठे हैं, ये देख सकते हो। ये देखो भैया कड़क सी और मीठी कम रखना चाहेगा, ताकि ये सब लोग यहाँ पे है। अरे ये क्या लिया, परफ्यूम? अच्छा चलो, बाकी चाय आ ही रही है और ऐसी सर्दी के अंदर चाय पीने का मजा ही कुछ और है, है भाई जतिन? चाय पीने का अलग ही मजा है यहाँ पे, हाँ पहाड़ों के वादियों में साथ में ठंड के साथ चाय का अलग ही मजा है। आओ तुम भी, आओ आप कभी कभी यहाँ चाय पीने और एंजॉय करने और दर्शन करने। गाइस एक बात बोलूँ, चाय जो है ना इतनी टेस्टी लग रही है, इसलिए मेरे साथ ना वर्ड नहीं है, इतनी टेस्टी लग रही है, बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रही है। क्योंकि मैंने जितना भी मेरे अंदर की भी सारी थकान की ना और सर दर्द था, लेकिन इसे चाय को पीते ही ना सारी थकान बंद हो गई। हाँ, आपको पता लग रहा होगा मेरे पीने से, ये मैं ये नहीं कि आप लोगों को दिखाने के लिए कर रहा हूँ, नहीं, एक्चुअल में जो चाय का जो टेस्ट है ना माशाल्लाह, जिसे बोलते हैं एक नंबर, बहुत बढ़िया। इसलिए मैं कोई कंपेयर नहीं कर सकता, और फाइव स्टार होटल देन टपरी की चाय और एक नंबर चाय। मानसो भाई चाय कैसी है? क्या नाम है भी आपका? राकेश। तो राकेश भैया की चाय है ये, यहाँ पर बनाते हैं, ये दुर्गा के बाहर होटल दुर्गा के आगे रात में खड़े रहते हैं ये भैया। कब से कब तक खड़े रहते हो? रात में खड़े होते हैं, रात में 10 बजे सुबह 10 बजे जाते हैं। अच्छा बहुत बढ़िया चाय है, नहीं बाकी बहुत बढ़िया चाय है। जो भी आए ना मेरे भाई वैष्णो देवी, जो भी आए वो दुर्गा होटल है ये याद रखना, ये इनके नीचे यहीं पे खड़े होते हैं ना भैया आप, ये भैया यहीं पे खड़े होते हैं। मेरे कहने से एक बार आप लोग इन भैया की चाय जरूर पीना, क्योंकि जो चाय में इनकी मज़ा है ना, मैं वर्ड नहीं है मेरे पास। चलो गाइस बाकी हम लोग अब चाय पी लें, सीधा मिलते हैं रूम में। तो गाइस बस अब हम लोग जा रहे हैं अपने होटल में जहाँ पे हमने रूम लिया हुआ है, बस अब हम जाके सो जाएंगे, ठीक है। और ये आप लोग आवाज़ सुन रहे होगे ना, यहाँ पे आप लोग देखो बड़ा गंदा वो हो रखा है, ये देख सकते हो कितना डेंजर वो हो रखा है। प्लीज़ सो गाइस हम लोगों का खाना वाना हो चुका है, बस हम लोग अभी अपने रूम पे आए हैं। बाकी बाहर का मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब था, तो हमने सोचा कि क्या नाम है, आज हम पैसे जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि हम लोगों ने शिवखोड़ी जाना है, हमने अपना पोस्टपोन कर दिया, अब देखते हैं कल जाएंगे हम लोग शिवखोड़ी। सो गाइस ठीक है, आप लाइक करना, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करना, और अगर कोई अगर आपको अच्छा शॉट लगा तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताना कि आप लोगों को कैसे लगी। अब हम हमारी वहाँ पे 2 बजे की ट्रेन है और हम अभी 1:58 हो रहे हैं और हम ऑटो में हैं। ऑटो के अंदर मौत का मामला, हम ट्रेन पकड़ पाएंगे या नहीं, अगर पकड़ ली तो ठीक सबके साथ, नहीं तो हमें यहाँ से बस से जाना पड़ेगा। चलो देखते हैं, द बेस्ट या